वो आ रहा है गुलबान वो। सत श्री अकाल जी सारे नूं, की हाल चाल। मैं थोड़ा अपना सागर सिंह गुलवान, और भाई आज हम लोग फिर से अप्पूगढ़ वाटर पार्क आ चुके हैं और यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले। भाई सेकंड टाइम अप्पूगढ़ वाटर पार्क आने का ये कारण है कि हम लोगों को फिर से इनवाइट किया गया यहाँ पे कि भैया यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आने लगे हैं और हम लोग फिर से करने वाले हैं यहाँ की वीडियो शूट। और 17 तारीख को यहाँ पे सपना चौधरी भी आ रही है। भाई 17 तारीख की आप लोग फटाफट से यहाँ की टिकट बुक कर लो, और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ की टिकट, जो 1450 रुपये की टिकट है, वो सस्ते में किस तरीके से आप लोग बुक कर सकते हैं। तो आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी इसी वीडियो के अंदर में। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ की लोकेशन बता देते हैं, टिकट प्राइसेस बता देते हैं, कैसे आप लोगों को यहाँ पे एंजॉय करना है और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा वो भी बता देते हैं। तो भाई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को यहाँ का रिव्यू दूंगा पूरा का पूरा, कि हम लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और क्या क्या हमें अच्छा लगा, पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं अप्पूगढ़ के अंदर। तो भाई पीछे देखो बड़ा सा गेट है, तो चलो चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो वीडियो को भाई फटाफट लाइक कर दो। चलो सामने आप लोग देख सकते हो सपना चौधरी का भाई बड़ा सा एक पोस्टर लगा हुआ है। तो सपना चौधरी बहुत बढ़िया लग रही है इस पोस्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखो भाई पूरी डिटेल दी हुई है, 17 जुलाई 2022 को अप्पूगढ़ के अंदर सपना चौधरी आने वाली है, और ये है बुकिंग हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ से आप लोग कॉल करके अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आप लोगों को पड़ेगा हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ से भी दिखता है पीछे में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को घूम के आना पड़ेगा और यहाँ से एंट्रेंस है। तो चलो भाई अब हम भी एंट्री ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एंट्री करते वक्त यहाँ पर दो गार्ड खड़े रहते हैं जो कि आप लोगों की चेकिंग करेंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप लोग खाने पीने की चीज़ें बाहर से ना लाएं, यही बेटर है। और आगे देख सकते हैं, चेकिंग करने के बाद आप लोगों को अंदर एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर लेडीज़ गार्ड भी है और जेंट्स गार्ड भी है जो कि आप लोगों की चेकिंग करेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पर है लॉबी, और लॉबी के अंदर काफ़ी सारी सिटिंग्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर आप लोग बैठ के अपने दोस्तों का इंतज़ार भी कर सकते हो, और यहाँ पर बैठ के आप लोग पानी वगैरह पी सकते हो। और यहाँ से जो है टिकट काउंटर स्टार्ट हो जाता है, और टिकट प्राइजेज़ आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर जो टिकट प्राइस है अडल्ट के 1399 रुपये हैं, और किड्स के 899, सीनियर सिटीजन के 1099 रुपये। और पार्क की जो टाइमिंग रहेगी वो 11 बजे से 7 बजे तक रहेगी, यहाँ पे मेंशन गलत किया हुआ था। कॉस्ट्यूम वगैरह है वो नायलॉन और लाइक्रा की होनी चाहिए, उसके अलावा आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। यहीं पर एक स्कैन लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आप लोग छोटे बच्चे हैं और 3 फिट तक का कोई बच्चा है तो उसकी एंट्री फ्री रहेगी। 4 फिट तक के बच्चे की किड्स में एंट्री लगेगी, और उससे ऊपर जो होगा उसके अडल्ट में एंट्री रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रेट लिस्ट लगी हुई है, यहाँ पे अडल्ट का बफेट जो है 1749 रुपये प्लस टिकट, और किड का जो है 1149 रुपये प्लस टिकट। आप सारे रेट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, और यहीं पे आप लोगों को बफेट में क्या क्या मिलने वाला है वो भी सामने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो लंच बफेट की जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। तो गोपाल भाई साथ में आए, साथ में हम लोग वीडियो बनाएंगे। काफ़ी सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे चालू हो गई हैं, जब हम लोग आए थे वो सब चीज़ें चालू नहीं थी, और अभी हम लोग सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एंट्री, तो अपने जो टिकट बैंड वगैरह सब कुछ मिल चुका है। तो चलिए चलते हैं अंदर और एंट्री लेते हैं, क्यों भाई मज़े आएंगे ना। एक राइड अभी भी OMG स्लाइड जो है वो अभी भी नॉट ऑपरेशनल है, वो जब भी ओपन होगा आपको बताया जाएगा, अभी वो चल नहीं रहा। जब भी अब ओपन होता है चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। तो चलो चलते हैं एंट्री करने के लिए। आप लोगों को इस तरीके का बैंड दिया जाएगा, वो बांधने के बाद ही आप लोग यहाँ से एंट्री होगी। और यहाँ पर हो चुकी है अपने अंदर एंट्री, और यहाँ सामने देख सकते हैं आप लोग ये पहाड़ी पहाड़ नज़र आ जाएंगे आप लोगों को, जैसे कि पहाड़ी एरिया में आप लोग आ गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव अप्पूगढ़, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। यहीं से ही आप लोगों को फीलिंग्स आ जाएंगी कि हाँ भाई हम लोग अप्पूगढ़ के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो चलो भाई चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और यहाँ पर सारी डायरेक्शन वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पे देखो पार्क एंट्री, चेंजिंग रूम, लॉकर, काउंटर,
मर्चेंडाइज का काउंटर, फूड, फर्स्ट एड सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमें सामने की तरफ में जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर है लॉकर काउंटर, और लॉकर काउंटर यहाँ पर रहेगा, आप लोग यहाँ से लॉकर रेंट पे ले सकते हैं। तो लॉकर के जो प्राइसेस रहेंगे, बिग लॉकर आप लोगों को लेना है तो सिक्योरिटी 200 रुपये रहेगी, रेंट 300 रुपये रहेगा। स्मॉल लॉकर लेना है तो सिक्योरिटी 200 रहेगी और रेंट रहेगा 150 रुपये। तो यहीं पर ही कॉस्ट्यूम्स देख लेते हैं भाई। कॉस्ट्यूम यहाँ पे रेंट पे नहीं मिलती, उसको आपने ख़रीदना पड़ेगा और वहाँ से आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा सामने से। और यहाँ पर देखो प्राइजेस डले हुए हैं, टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ों के प्राइजेस डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलो अब हम लोगों ने भी लॉकर ले लिया है और चलते हैं। भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह आप लोगों को परचेज़ करनी है, वो यहाँ पे सैंपल्स लगाए हुए हैं, और यहाँ से आप लोग सैंपल देखने के बाद में ट्यूब भी यहाँ पे ख़रीदने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप लोग देख के और वहाँ से आप लोग रेंट पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्विमिंग कैप परचेज़ की है, जो कि मेरे को 200 रुपये की पड़ी है। अभी इसको पहनेंगे और उसके बाद में देखेंगे कैसी लगती है। तो यहीं पर है मेन चेंजिंग रूम, हम लोग जा रहे हैं मेन चेंजिंग रूम के अंदर, और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। और यहाँ पर आप लोगों को एक क्लीन सा वॉशरूम दिख जाता है, जहाँ पर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं और वॉशरूम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा लॉकर रूम भी अटैच है यहीं पर, और लॉकर रूम के अंदर ये बड़ा वाला लॉकर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, 2 से 3 जनों का सामान इसमें आ सकता है। और इधर में है छोटा लॉकर, छोटे लॉकर में आराम से एक बंदे का सामान आ सकता है। तो यही है बस लॉकर। अब हम लोग कपड़े बदलते हैं और चलते हैं, सीधा मिलते हैं आप लोगों को वाटर पार्क के अंदर। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली ये वीडियो, तो भाई बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो एक्चुअली में क्या है, हम लोगों ने एंट्री तो ले ली है, पर हमें लगी हुई है बहुत तेज़ भूख, और हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं बफेट एरिया में, और अभी हम लोग खाना पीना करेंगे, उसके बाद में हम लोग वाटर पार्क के अंदर जाएंगे। तो आप लोग को बफेट वगैरह भी दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे खाने को मिलता है और किस तरीके का, मतलब कि खाना है अच्छा है नहीं है, सारी चीज़ बताएंगे आप लोगों को। जस्ट यहाँ से एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के साथ में ही बफेट एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बफेट होने वाला है, यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहीं पर बैठ के हम लोग खाना खाने वाले हैं। तो आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या आप लोगों को बफेट में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चावल, और ये आपका पनीर, शाही पनीर, पनीर लवादार, और यहाँ पे मिक्स वेज आ जाता है, और यहाँ पे दाल मखनी, राजमा रसीला, और यहाँ पे बूंदी रायता आ जाता है, और यहाँ पे सैलड्स आ जाते हैं काफी सारे। यहाँ पे सेम यहीं पे वेजिटेबल वाले फ्राइड राइस और मंचूरियन, स्वीट में ब्राउनी, और यहाँ पे स्वीट में ब्राउनी मिल जाएगी आप लोगों को, और यहाँ पे असोल्टेड ब्रेड यानी कि रोटी तंदूरी, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं, मजा आ जाएगा खाने में। तो भाई हम लोग लंच करके बाहर आ चुके हैं, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा लंच का। तो गोपाल भाई बताएंगे भाई लंच में क्या क्या अच्छा था। सब कुछ अच्छा था, सारी चीजें अच्छा था, कुछ भी खाने के लिए खराब नहीं, बहुत मस्त था। एक बार आके जरूर यहाँ पे लंच करे लंच करे मजा आया काटना क्या इसमें तो भाइयों यहाँ का जो लंच था ना काफ़ी अच्छा था, स्वादिष्ट था, मतलब कि आप लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं आपको अगर एंजॉय करने, तो यहाँ का बफेट आप लोग ले सकते हैं, मेरी ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, देख सकते हो आप लोग बारिश हो रही है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं स्लाइड्स की ओर, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सारी बड़ी बड़ी स्लाइड्स, और सामने देखो 92 फीट वाली राइड भी है, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूब्स हैं वो रेंट नहीं लगता उनका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपके टिकट में इंक्लूडेड होती हैं, और यहाँ पे आप लोग ट्यूब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को खुद ट्यूब ऊपर लेके जानी पड़ती है, और फिर यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं जो ट्यूब वाली हैं। तो चलो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रैपिड रेसर करने के लिए मैट वाली राइड, और यहाँ पे देखो सारे लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये भाई लोग भी जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं सारे के सारे मैट उठा के। चलो ओके ओके चलो, चार लोग एक साथ गए रेस करने के लिए, अब हमारी बारी है। तो गाइस अभी हमारा मैट आ चुका है और अब हम भी करेंगे राइड, काफ़ी मज़ा आएगा। भैया ने कोने में लगा दिया बिल्कुल, एक मिनट भैया लोग जाने देना, लग जाना। ये है होने वाली राइड स्टार्ट, चलो चलते हैं। वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत स्पीड में है ये। है हाँ कोई बात नहीं, वो रुकता नहीं है ना, तभी तो स्टिक लेनी है मेरे को। रैपिड रेसर काफ़ी मज़ेदार थी, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अभी देखना कोई आएगा फिर दिखाऊंगा आपको। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग स्काईफॉल राइड करने के लिए। पहले ये भाई करेंगे राइड और उसके बाद हम भी राइड करेंगे, और ये वाला जो सीन है ना मैं नीचे से ही कैप्चर करवाऊँगा क्योंकि साथ में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो ये भाई देखो किस तरीके से पोस्चर है इनका, सेम यही वाला पोस्चर होना चाहिए। और अब जा रहे भाई नीचे, क्या बात है, ओ माय गॉड। तो भाई साहब बहुत एक्सट्रीम होने वाली है राइड, तो अब मैं करने वाला हूँ ये वाली राइड, देखते हैं कैसे। अभी मजा आएगा ना, वो आ रहा है गुलवान, वो ये लांडा, ये हो ना बात, कर दिखाए लांडे ने 92 फीट स्लाइड कर ली हमने, आ रहा है मजा, मजा दूसरा कच्चा निकला भाई मजा आ गया। इसका एक्सपीरियंस मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको, साथ ले लेना। दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ की जो टिकट प्राइजेज है वो 1400 रुपये है, और अगर आप लोग सस्ते में यहाँ की टिकट लेना चाहते हैं तो DRS डील के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूँ। DRS डील एक ऐसी वेबसाइट है जो वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क और स्नो वर्ल्ड जैसी जगहों के टिकट प्रोवाइड करता है, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर टिकट प्रोवाइड करवा देता है। तो आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ किस तरीके से आप लोग वहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप भी अपना कीमती पैसा बचाना चाहते हैं और DRS डील के थ्रू अगर टिकट लेते हैं तो कम से कम आप लोगों का 300-400 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। वेबसाइट पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोगों की टिकट बुक हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं ये क्रूज़र बॉडी स्लाइड, तो चलो चलते हैं बॉडी स्लाइड में, मज़ा आएगा काफ़ी। गोपाल भाई तो पहुँच गए आगे, यहो यार मेरे को ना टी-शर्ट उतारना, मजा आ गया भाई। स्पीड में आइए, काफी मजा आया, मजेदार थी भाई, मजेदार थी, मजा आ गया। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम 40 किलो वेट होना चाहिए अगर आप लोगों को ये बड़ी वाली स्लाइड्स करनी है, तो इससे कम अगर वेट होगा तो आप लोग ये स्लाइड्स नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है पायरेट स्टेशन, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी भी स्लाइड्स हैं, और ये हम लोग सारी कवर करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सामने में देखो ऊपर में वो जो बाल्टी है ना वो भर के जब गिरती है भाई, बहुत ही मज़ा आता है, वो देखो कितनी मज़ेदार है। अभी देखना वो बाल्टी पलटेगी ना, वो सीन देखना आप लोग, अभी मज़ा आएगा काफ़ी। ए-
मजा आ गया मजा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पायरेट स्टेशन के अंदर और यहाँ पर होने वाला है बवाल, बहुत ही बढ़िया। तो चलो भाई चलते हैं, मज़ा आने वाला है काफ़ी। देखने की बारी आ चुकी है। ओहो छोटा वाला कर दो, यही वाला है ये। तो गाइस अभी छोटी वाली स्लाइड करने वाले हैं, ये वाली देखो। तो सभी लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं और अभी हम लोग भी जाने वाले हैं पूरा स्लाइड में। चलो चलते हैं। ओहो ये मजा आ गया मजा। तो गाइस अभी हम लोग ये वाली बॉडी स्लाइड करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। ओहो वो मजेदार है मजेदार। वो हो सामने से देखो, ये ओ क्या पानी आ रहा है या। मजा आ गया गाइस मजा आ गया, बहुत मजेदार थी, लंबी राइड थी काफी लंबी, और ये वाली येलो वाली राइड थी काफी मजा आया भाई। बहुत भाई आ रहे हैं ये ओ शिट। ओ भाई यहाँ से स्पीड बहुत तेज बढ़ जाता है, यहाँ से जो स्पीड आती है ना भाई बड़ी तेज स्पीड आती है। अभी देखना अगर कोई आएगा ना आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आता है भाई तेजी में आने वाला है, देख करेंगे। ओ भाई ओ अभी कोई और आएगा। तो भी गाइस हम लोग जा रहे हैं स्लाइड के अंदर, काफी मजा आने वाला है, बहुत तेज रहेगी। ओहो अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत तेज जा रही है गाइस। ओहो पूरा पलट गया मैं तो। ओ भाई साहब बहुत तेज आती है, बहुत तेज आती है गाइस, ये बहुत मजेदार राइड है। इसमें तो जैसे ही नीचे आ रहा पूरा घूम गया, गोपाल भाई की वीडियो में देख रहा मजा आया बहुत। ये क्या तो अभी हम लोग पायरेट स्टेशन से निकल के सीधा जा रहे रेन डांस के अंदर, और यहाँ पे देखो भाई रेन डांस कितना बढ़िया चल रहा है, और आप लोगों को दिखाते हैं रेन डांस में कितना मजा आता है, तो आप लोग भी एंजॉय करो रेन डांस। खुद गिरा दिया देखो ये देखो खुद गिरा दिया। तो गाइस देवपुर में जाने लगे हम लोग, गोपाल भाई आ चुके हैं।
भाई अप्पूगर की सबसे फेमस स्लाइड है OMG स्लाइड, जो कि अभी वर्किंग में नहीं है और इस साल ये चालू नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ के बंदे से पूछा था, स्टाफ से पूछा था, उन्होंने बताया कि टेक्निकल इशू है इसके अंदर और ये अभी चालू नहीं होने वाली। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली राइड, तो अभी ये चालू नहीं होगी, आने वाले टाइम में ये ज़रूर से चालू होगी। तो अगर आप लोग स्पेशली इसी को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, और भी अच्छी अच्छी राइड है, उनको एंजॉय कर सकते हैं आप लोग वैसे यहाँ पर, और ये वाली राइड जो अभी चालू नहीं है, तो यही मैं अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं अप्पू घर से बाहर, और आप लोगों ने आज देखा भाई व्लॉग में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और 92 फीट वाली राइड भी हम दोनों ने कवर की। क्यों भाई गोपाल भाई मज़ा आ गया ना? बहुत मज़ा आया तो, यार मतलब ये वाला स्लाइड में बहुत पहले से करना चाहता था लेकिन डर डर सा लगता था, इस बार फाइनली हिम्मत जुटाया और फाइनली ये वाला जो राइड है करके दिखाया। तो इस वाली राइड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, हम दोनों ने ना मतलब कि थोड़ा सा हम लोगों ने ना करें, लेकिन मैं अपने घर से बना के आया था मन कि मुझे ये वाली राइड करनी है, और गोपाल भाई भी मन बना कर आए थे, लेकिन यहाँ पर जब लोगों की हालत देखते थे ना तो थोड़ा सा ना मन इनका बदल जाता था, लेकिन भाई फाइनली हम लोगों ने करी, आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आया था। तो दोस्तों हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि हम लोग आप लोगों को एंटरटेन कर पाएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ। तो यहाँ का जो फूड भी काफ़ी अच्छा लगा और राइड्स भी काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं तो 100% यहाँ पर आएँ और मज़े करें। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय।